ने क्या स्टडी किया हुआ है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से आईआर में। आईआर में माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है। यही आती है जो आजकल लोगों की डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। किस तरह की डिमांड्स? उनकी हर तरह की के लड़की का कलर, हाइट और फिगर, हर चीज़ वो लोग चाहते हैं परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। माशाल्लाह निकाह ऐप पर बहुत ज़्यादा रिश्ते हो रहे हैं, तकरीबन 1135 से अब तादाद ऊपर चली गई है। और हमारे पास एक लड़की आई है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, मास्टर्स किया हुआ है, इनको भी किसी ने रिकमेंड किया है। जानते हैं इनकी क्या स्टोरी है और ये क्यों निकाह ऐप ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जुनैरा अली। जुनैरा, जुनैरा मुझे ये बताएं कि आप की एज कितनी है? 25। आपने क्या स्टडी किया हुआ है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से आईआर में। आईआर में माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, तो माशाल्लाह हमारी ऐप पे देखें कितनी अब यूनिवर्सिटीज़ तक जाने लगी है। तो आप बताएं रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है जो आजकल लोगों की डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। किस तरह की डिमांड्स? उनकी हर तरह की के लड़की का कलर, हाइट और फिगर, हर चीज़ वो लोग चाहते हैं परफेक्ट हो। लेकिन बंदा परफेक्ट हो या ना हो, बंदा परफेक्ट हो या ना हो, तो आप ही इस चीज़ पे परेशान हुई हैं, इस चीज़ के शिकार रही हैं? बिल्कुल परेशान रही हैं। मेरी वालदा सबसे ज़्यादा इस बारे में परेशान रही हैं क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, इसलिए। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'1" हाइट है। ठीक है, इतनी छोटी नहीं है लेकिन लोगों को ज़रा लगती है। लेकिन लोगों को ये बहुत छोटी लगती है कि जैसे बहुत ही छोटी है। तो इस चीज़ में मेरी मामा को बहुत ज़्यादा रिश्तों की रिजेक्शन मिली है। तो रिश्तों वालियों के पास भी गई? जी, उनको इतने इतने पैसे दे के भी रिश्ते नहीं वो रेलिवेंट ला सकते। क्या आपसे सवाल किए रिश्ते वालियों ने, ज़रा ये बताएं? रिश्ते वालियों की हर चीज़ में बहुत इररेलीवेंट, वो तो रिश्ते लेकर आती हैं, उनको सिर्फ पैसों से मकसद होता है, उनको कोई नहीं होता कि रिश्ता करवाना है उनको। वो कोई भी रिश्ता, हालांकि उनको पता है कि हम उनको हर चीज़ की डिटेल देते हैं, हमारी हाइट, एज, कलर, हर चीज़, लेकिन हमारे पास फिर भी उस तरह के रिश्ते नहीं आते। हमारे पास आते हैं वो खा पी के और चले जाते हैं, उनका बस यही मकसद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी देखें जी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, रिश्तों वालियाँ किसी का भी जोड़ वैसे ही बना देती हैं, कहती हैं वो मतलब ये जो जोड़ बनाती हैं क्या वो ठीक होते हैं, आपको क्या लगता है? वो रिश्ते वालियाँ ज़्यादातर झूठ ही बोल के लेकर आती हैं, उनको दिखाती हैं कि हर चीज़ परफेक्ट है, और हमारी तरफ से वो दिखाती हैं कि हमने जी आपको रिश्ते दिखा दिए हैं, उनका ये सिनेरियो होता है ओवरऑल। हालांकि वो मैच हो रहा हो ना रहा हो रहा हो, मैच 0%, कोई मैच नहीं। मैंने सुना है कि आपको क्या इस तरह का फेस करना पड़ा कि आप 25 साल के तो 40 साल का बंदा दिखा दिए। बिल्कुल, ऐसे भी दिखा देती हैं कि सेकंड मैरिज, वो 25 साल सेकंड मैरिज भी दिखाती हैं किसकी? बिल्कुल, वो दिखाती हैं कि जैसे हमारी एज तो निकल चुकी है, अब हम बहुत ही प्लस हो चुके हैं, तो हमारे और रिश्ते नहीं आ सकते, तो वो सेकंड मैरिज वाले भी रिश्ते ले आती हैं। और अजीब, देखें एजुकेटेड लड़की बात कर रही है, एक डिग्री होल्डर लड़की बात कर रही है, तो इसको रिश्तों वालियों से क्या क्या प्रॉब्लम आई? लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह निकाह ऐप को देखते हुए आपका ये प्रॉब्लम लगता है कि सॉल्व हुआ है? बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद जागी। माशरे में और लड़कियों का, जो जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हो पाते उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि वो घर में बैठे बैठे मोबाइल के अंदर अपना रिश्ता ढूंढ सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत ज़्यादा सहूलत है हमारे लिए कि हम घर बैठे अब बगैर रिश्ते वालियों को देखे और हम अपना रिश्ता खुद देख सकते हैं। महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने, लेकिन ढूंढेंगे खुद, उसमें से ढूंढेंगे खुद और हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा वो रिश्ता। इतनी खवातीन है जी, आप वहाँ मैचेस के ऊपर बेल आइकन, वहाँ आपको रिश्ते हो रहे होंगे, जब रिक्वेस्ट आएंगी तो आप एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो लड़कियों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं या कहीं भी दूसरी शादी करना चाहती हैं, तलाक हुई हुई है, बेवा हैं, वो सब निकाह ऐप ज्वाइन कर सकती हैं और इंशाल्लाह ये हर घर की ऐप बनेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, और इससे बहुत रिश्ते होंगे। तो इंशाल्लाह अभी शायद अगर 1135 तादाद है तो कम है शायद मेरे मुताबिक, हालांकि इस पर जलसा हो जाता है, लेकिन मैं 1 लाख का वादा करूं कि इतनी मेहनत करके इसको वहां लेके जाना है कि रोज़ 1 लाख रिश्ता यहां से हो ताकि निकाह फैले। तो इनका रिश्ता आपने अपनी आईडी बना ली? जी बिल्कुल, मैंने अपनी आईडी बना ली। आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड सिर्फ एक अच्छी फैमिली और एक अच्छी जॉब है लड़के की हो, एक अच्छी मतलब पढ़ी लिखी फैमिली, एक अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली हो और लड़के की अच्छी जॉब हो, बेशक बहुत पैसा ना हो, बहुत पैसा ना हो, इट डजंट मैटर। मतलब एक आपको 3 वक्त का खाना और कपड़े अच्छे दे सकते? बिल्कुल,
इतना ही काफ़ी है। नाज़रीन माशाल्लाह बहुत ही डिसेंट फैमिली से हैं ये और बहुत अच्छी लड़कियाँ, तो आप इनको भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और आप और ख़वातीन से अगर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उनको भी भेज सकते हैं। 2200 इसका मंथली पैकेज है, जो प्ले स्टोर जो हमारा सर्वर है उसको और इमेज किट को देना पड़ता है, वरना ये भी मेल्स के लिए ना रखते, लेकिन ये देना ज़रूरी है, तभी आप आई डी इस पर क्रिएट बनाते हैं, उसकी पेमेंट देनी पड़ती है। तो इन शाला तला बहुत से लोगों के पहले महीने होंगे, बहुत से लोगों के पहले महीने नहीं होंगे, दूसरे महीने ट्राई कर सकते हैं, और बहुत से लोगों के तीसरे महीने तक जा सकते हैं, बहुत सों के एक दिन में हो सकते हैं रिश्ते। तो जितनी ख़वातीन हैं वो निकाह ऐप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ताकि निकाह में आसानी हो। जो इस वक्त करोड़ों लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे, वो निकाह ऐप इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सबके रिश्ते करके दिखाएगी इंशाल्लाह। और आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो आपने डिमांड बताई है। जी जी बिल्कुल, ज़रूर भेजें रिक्वेस्ट, इनको रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप इनको इनकी आई डी पर भेज सकते हैं। मुझे दें इजाज़त इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह इनका भी बेहतरीन रिश्ता होगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।